ओम शांति। सभी एक साथ बोलेंगे बड़े प्यार से ओम शांति, ओम शांति। जितने बैठे हैं उतनी आवाज नहीं गूंज रही। बाबा कहते हैं बाप का भी जन्मदिन और साथ में बच्चों का भी जन्मदिन, तो अपने जन्मदिन और पिता के जन्मदिन पर बड़े प्यार से बोलिए, आवाज से बोलिए, एक साथ संगठन में बोलिए ओम शांति, ओम शांति। क्योंकि यही प्यारा मंत्र है जो हमारे बाप ने, हमारे पिता ने हम सबके मुख पर रटा दिया। आज हम उसी पिता का परिचय जानने के लिए आज जग जग पर भटक रहे, संसार में भटक रहे, सारे विश्व में ढूंढ रहे कि वो परमात्मा है कौन, वो कहाँ रहता है, क्या उसका नाम है, क्या वो करता है। लेकिन आज तक हमें कहीं नहीं मिला। क्यों? जिसको हम ढूंढ रहे थे, जिसको हम पाना चाहते थे, उसका हमें सही पता मालूम नहीं था। जिस जिस जगह पर ढूंढा, जिस जिस जगह पर हम गए, वहां वो था ही नहीं। जिस स्थान पर वो था नहीं, तो परमात्मा के उसने अपना परिचय स्वयं दिया कि मैं हूं कौन, मेरा नाम क्या है, मैं आता कब हूं और क्या हूं। जब तक पिता स्वयं इस धरती पर ना आए, तब तक हम उसका परिचय नहीं जान सकते। जिस तरह आप लौकिक परिवार में जानते हैं कि माता पिता जब तक अपने बच्चे परिचय ना दें, तब तक बच्चा कभी नहीं जान सकता कि मेरे पिता है कौन, मेरे माँ है कौन। और जब माता पिता स्वयं अपने बच्चे को परिचय देते हैं, तो वो बच्चा उसी दिन उस घड़ी से अपने पिता मात जा भी समझ है, सारे रिश्तों को वो जान जाता। इसी तरह परमात्मा सारे सृष्टि के आत्माओं का वो पिता है। वो रहता कहाँ है, जिसके लिए कहते हैं पारे ब्रह्म परमेश्वर, वो ऊंचे ते ऊंचे परम धाम का रहने वाला है, जो इस दुनिया से इन आंखों से वो घर दिखाई नहीं देता। वो सिर्फ पिता का घर नहीं, बल्कि हम सबका घर है। लौकिक में भी कहते हैं जो माँ बाप का घर, वो मुझ आत्मा का घर। इसी तरह जो परमात्मा का घर है, उसका नाम है परम धाम, निर्माण धाम। तो बाबा कहते बच्चे मेरा वो घर है, और जब मैं आता हूँ तो मेरा आने का भी है। कहते ना वो सतयुग में आता, ना त्रेता में, ना द्वापर में, और ना ही कलयुग में। कब आता? पुरुषोत्तम संगम युग पर ये उसका आने का समय निर्धारित है। और उसके कर्तव्य क्या है? उसका कर्तव्य है सारी सृष्टि की पतित आत्माओं को पावन बनाना। तो उसका नाम भी है और रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो नाम भी हो गया, रूप भी हो गया, गुण भी हो गए, कर्तव्य भी हो गया और धाम भी हो गया। तो जिस आत्मा, जिस परमात्मा की सारी चीजें हैं, वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता? बाबा यहाँ तक कहते कि सर्वव्यापी कोई भी चीज आज दिखाई देने वाली सब चीजें हैं, तो परमात्मा कैसे हो सकता है बिन नाम रूप का? लेकिन हम उस को यथार्थ नहीं जानते। तो वो परमात्मा आकर के इस सृष्टि पर आ चुका है, और अब परमात्मा की जो हम शिव जयंती मनाते हैं, ये उसी के अवतरण दिवस है। वही परमात्मा के आने का समय है, और आकर के हम सबको वो अपना परिचय स्वयं देता है कि हे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बच्चे हो।